हरे कृष्णा राधे राधे। गन्ने के मंडप सजाएंगे हम, विष्णु तुलसी का विवाह रचाएंगे हम। आप भी होना खुशियों में शामिल, एकादशी का पर्व मिलकर मनाएंगे हम। देव उठमी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में आपके मंगल की कामना करते हुए प्रार्थना करती हूँ। आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, आपके जीवन में कोई भी नेगेटिव एनर्जी दूर हो, आपको जीवन में खूब खुशियां, खूब सुख सौभाग्य, धन संपत्ति, भक्ति प्रेम और आशीर्वाद मिले। अब आज इस वीडियो में हम अति पावनी प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी का महत्तम और दो व्रत की कहानियों को सुनेंगे। देखो, ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है, इतनी ज्यादा फलकारी है कि इसकी कथा के सुनने मात्र से ही मनुष्य को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। वहीं अगर इस एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा भाव और विधान पूर्वक किया जाए तो फिर तो इसके फल का कहना ही क्या है। इस एकादशी को व्रत रखने से जो भक्त है उनके जीवन में सुख समृद्धि शांति के साथ धन का वास होता है, इसलिए सभी इस एकादशी का व्रत जरूर करें। जो वैसे एकादशी नहीं करते हैं वो भी साल की इस बड़ी एकादशी का व्रत जरूर करें, पूजा करें और कथा सुने। देव शनि एकादशी की महिमा का वर्णन हमें भविष्योत्तर पुराण में मिलता है। इस एकादशी के बारे में ये कहा जाता है कि इसका उपवास कर लेने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 रासुय यज्ञ का फल करने जितना फल मिलता है। पितृ दोष से पीड़ित लोगों को अपने पितरों के लिए ये व्रत जरूर करना चाहिए, जिससे उनके जो पितर नरक में दुख पा रहे हैं वो मुक्ति पा सके। अब आपको अति पावनी फलकारी सुंदर देव उठनी एकादशी का महत्व बताते हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति देने वाली प्रबोधनी एकादशी की कथा सुनाता हूं। श्रद्धा पूर्वक सुनो। इस विषय में मैं तुम्हें नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को बताता हूं। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है, आप कृपया करके मुझसे कहें। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 रासुय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने कहा, हे पितामह, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन का उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, कृपया ये भी विस्तार पूर्वक समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के, पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है वो वस्तु भी प्रबोधनी एकादशी के व्रत से सहज ही मिल जाती है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्मों को प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में ही नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार प्रबोधनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें पूरा फल मिलता है। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन किंचित मात्र पुण्य कर्म भी करता है उनका वो पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णुलोक में वास करती हैं और नरक में अनेक कष्टों को भोगते हुए उनके पितर विष्णुलोक में जाकर सुख भोगते हैं। हे नारद,
भ्रम हत्या आदि विकट पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल के से भी ज्यादा होता है। सभी तीर्थों में जाने तथा गौ स्वर्ण भूमि आदि का दान करने का फल प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि जागरण करने के फल के बराबर होता है। हे पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र कर लिया। संसार में जितने भी तीर्थ है तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है वो सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। प्राणी को सभी कर्मों को त्यागते हुए भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक महीने की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत जरूर ही करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है वो धनवान योगी तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से कायिक वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों का शमन हो जाता है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान तप होम यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि का पूजन करने से यौवन और वृद्धावस्था में किए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से भी सहस्त्र गुना ज्यादा होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करता उसके सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे पुत्र, तुम्हें भी विधान पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक महीने में धन परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायन व्रत के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में प्रभु दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक महीने में जो मनुष्य प्रभु की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं उन्हें 100 गायों के दान के फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है कृपया ये भी समझाइए। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। उस समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, आज मैं निराहार रहूंगी और दूसरे दिन भोजन करूंगी, इसलिए आप मेरी रक्षा करना, मेरे व्रत को पूरा कराना। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान का पूजन करें और व्रत को शुरू करें। उस रात्रि को भगवान के सामने गायन नृत्य बाजे तथा कथा कीर्तन करते हुए रात्रि बितानी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपाणता को त्याग कर बहुत से पुष्प अगर धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका फल तीर्थ दान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त्य पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक महीने में जो बिल्व पत्र से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक महीने में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान का पूजन करते हैं उनके 10,000 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस महीने में शिव तुलसी जी के दर्शन करते हैं या स्पर्श करते हैं या ध्यान करते हैं या कीर्तन करते हैं या रोपण करते हैं या तुलसी जी की सेवा करते हैं वो 1,000 कोटि युग तक भगवान विष्णु के लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुल में जो पैदा होते हैं वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में ही रहते हैं।
जो मनुष्य भगवान का कदम पुष्प से पूजन करते हैं वो यमराज के कष्टों को नहीं पाते, उनकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं। भगवान विष्णु कदम पुष्प को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि उनका कदम पुष्प से पूजन किया जाए तो उससे उत्तम और कोई बात है ही नहीं। जो गुलाब के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें निश्चित ही मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं वे अनंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु का सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करते हैं उन पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री हरि का दुर्वा दल से पूजन करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना ज्यादा फल पाते हैं। जो भगवान का शमी पत्र से पूजन करते हैं वो भयानक यमराज के मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वो जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन करके प्रातः काल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान की स्तुति करते हुए घर आकर भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर आदर सहित उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा करना चाहिए। इसके बाद गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध अन्न में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शय्या दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक महीने में खड़ाऊ धारण नहीं करते उन्हें खड़ाऊ दान करने चाहिए। जो इस महीने में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीपक जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपक को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्य मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन उस वस्तु को पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधान पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य चातुर्य मास व्रत को बिना किसी बाधा के पूर्ण कर लेते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा से शुरू कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महत्व को सुनते और पढ़ते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायणाय नमः। एकादशी महत्व समाप्त। अब आपको देव उठनी एकादशी की कहानी बताती हूं। क्यों भगवान 4 महीने के लिए शयन करते हैं इसे लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु ने दैत्य शंखासुर को मारा था। इस राक्षस को मारने से पहले भगवान विष्णु का उससे लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु थक कर शिव सागर में जाकर सो गए और सीधे कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी को जाके तब सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु का पूजन किया और इस वजह से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी कहा गया। एक कथा यह भी प्रचलित है कि एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है कि स्वामी आप या तो दिन रात जागते ही रहते हो या फिर लाखों करोड़ों वर्ष तक योग निद्रा में रहते हो। आपके ऐसा करने से संसार के समस्त प्राणी उस दौरान कई परेशानियों का सामना करते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करो, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, देवी तुमने ठीक कहा, मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुम्हें कष्ट होता है, तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, अतः तुम्हारे कथनानुसार
आज से मैं हर साल 4 महीने वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। मेरी ये निद्रा अल्प निद्रा होगी और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी ये अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं उनके साथ निवास करूंगा। अब आपको देव उठनी एकादशी की एक बहुत सुंदर कहानी बताती हूँ। भाव से, प्रेम से, मन से सुनना। किसी नगर में एक राजा था। उसके राज्य में उसकी सारी प्रजा बड़ी सुखी थी। उस राज्य में एकादशी को हर कोई मानता था। अन्न खाना दूर, एकादशी वाले दिन अन्न बेचा भी नहीं जाता था। सभी फलहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने की सोची। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क तक बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और उस सुंदरी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, उस पर मोहित हो गए। राजा ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब वो सुंदर स्त्री बने भगवान ने बोला, मैं निराश्रित हूं, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू मुझे नहीं पता। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए। वो बोले, तुम मेरे महल में चलकर मेरी नानी बनकर रहो। वो सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का पूरा अधिकार मुझे सौंपना होगा। इस राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी, जो कहूंगी वो तुम्हें करना होगा, जो बनाऊंगी वो तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर इतना मोहित था कि उसकी सभी बातें, सभी शर्तें सहज ही स्वीकार करती। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने महल में जाकर हुक्म दिया कि बाजारों में रोज की तरह ही अन्न को बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि बनाया तथा परोस कर राजा को खाने के लिए कहा। जब राजा ने देखा तो वो बोला, रानी, आज तो एकादशी है, मैं तो केवल फलहार ही करूंगा। तब रानी ने उसे शर्त याद दिलाई और बोला, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर काट दूंगी। राजा ने अपनी परेशानी बड़ी रानी को कही तो बड़ी रानी ने कहा, महाराज, धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सर दे दे, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। तभी वहां पर बड़ा राजकुमार खेलता खेलता आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर उसने रोने का कारण पूछा तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वो बोला, मैं सर देने के लिए तैयार हूं, पिताजी के धर्म की रक्षा होनी जरूरी है। राजा दुखी मन से राजकुमार का सर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु उसी समय प्रकट हो गए और सारी बात राजा को बताई और राजा से कहा, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न रूप से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है हमारे पास। उसी समय वहां पर एक सुंदर विमान आया। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और अपनी बड़ी रानी के साथ विमान पर बैठकर परम धाम को चल दिया। इसी तरह से हर कोई पूरे भाव और श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन करो। एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है। एकादशी को व्रतराज कहा जाता है। ओम श्री हरि विष्णु देवाय नमः, श्री कृष्ण शरणम मम।